तो फिर नंबर का जो सवाल है x बराबर आपको दिया है a cos t फाइंड करके प्लस log o, उसके बाद ये छूटा है वेक्टर dA निकालना है ठीक p by ध्यान पर करिएगा मतलब इसी का निकालना है बराबर हुआ इन दोनों निकालने के बाद आपको क्या करना है तो y बराबर आपको दिया है a साइन सॉरी इक्वल्स व्हाट आपको फाइंड करना है फाइंड आपको करना है संदेह डी स्क्वायर वाई बट डी एक्स स्क्वायर संदेह बताइए तो संदेह एंड डी स्क्वायर वाई संदेह बट डी टी स्क्वायर संदेह तो देखो ये डी स्क्वायर वाई बट क्या है डी टी स्क्वायर है ना तो कीजिए ये समीकरण आपका दो हो गया ये समीकरण आपका एक हो गया हम क्या करेंगे टी के साथ यहाँ पर क्या है पहले इसका हम मान निकाल लेते हैं डी स्क्वायर वाई बटे डी टी स्क्वायर यहाँ पर टी है ना जी तो टी के सापेक्ष हम क्या करेंगे दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो पहले एक बार हम करते हैं टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट क्या होगा डी वाई बाय डी टी देखो इसको जो है हम टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे ये ए क्या है कांस्टेंट है ये रहेगा ही साइन टी का क्या होगा कोस्टी साइन एक्स का क्या फॉर्मूला होता है कोस एक्स होता है जी उसी प्रकार से साइन टी है तो साइन टी का क्या होगा टी के सापेक्ष कोस्टी कोस्टी हो गया ना इनको समीकरण तीन मान लीजिए इनको हम क्या करेंगे समीकरण और यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई बट क्या है डी टी स्क्वायर है यानी एक बार और डिफरेंशिएट होगा अगेन डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे एक्स या टी टी होगा अब बोलिए ये डी स्क्वायर वाई अब बता क्या होगा डी टी स्क्वायर अब यहाँ पर देखिए ये कॉन्स्टेंट है ये तो रहेगा ही अब कोस का क्या होगा माइनस साइन तो माइनस आगे में लगा दो ये साइन भी ये वो कॉमन फाइंड हो गया अब बच क्या गया हाँ सब्जेक्टिव है ये बच गया है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर तो अब सोचिए कि ये मान पहले डी वाई वाई टी एक्स निकालिए फिर उसका हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई अब बटे क्या होगा डी एक्स स्क्वायर तो अब जो है एक्स ये है ना ये समीकरण एक ये जो एक्स का मान है इसको जो है टी के सापेक्ष हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी इक्वेशन फर्स्ट तो देखो डी एक्स में क्या लिखोगे डी टी ये तो कॉन्स्टेंट है इसको तो कुछ ही नहीं करना है अब देखिए कोस का क्या होगा माइनस साइन टी प्लस लॉग एक्स का क्या होता है वन बाय एक्स लॉग एक्स का क्या होता है वन बाय एक्स तो देखिए एक्स के स्थान पर क्या है टेन टी बाय तो क्या होगा टेन टी बाय टू उसके बाद देखिए टेन का क्या होगा टेन का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ टी है तो सेक तो यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर टी बाय टू अब टी बाय टू का क्या डिफरेंशिएट होगा वन बाय टू वन बाय टू तो यहाँ पर क्या हो गया वन बाय टू अब आपको करना क्या है कि मान निकालना है देखिए डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा हम तीन में क्या करेंगे इसको कोई समीकरण मान लीजिए इसको हम चार मान लेते हैं तो तीन में हम चार से क्या करेंगे भाग देंगे इक्वेशन थ्री बाय ये फोर हो गया ना तो ये डी वाई बाय डी टी डी एक्स नहीं डी एक्स बाय क्या हो गया डी टी ये डी टी खत्म हो गया तो डी वाई बाय डी टी का मान क्या है ए कोस टी
और इसका मान क्या है ए माइनस साइन टी माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर टी बाय टू बटे आपको हो गया एक चीज देखिए यहाँ पर टेन टी बाय टू दो को भी यहाँ पर रख दीजिए ए और ये खत्म हो गया ऊपर में क्या हो गया कोस पी सर वहाँ आप कट कट कैसे गया किस पर कॉस्ट ये यहाँ पर कट कट तो ठीक है ये जो है सेक स्क्वायर टी बाई टू तो इसको हम लिख सकते हैं वन बटे कोस स्क्वायर टी बाई टू जी टेन टी को हम क्या लिख सकते हैं साइन टी बाई टू बटे कोस टी बाई टू ये लिख सकते हैं इसलिए कट गया उसके बाद देखिए ये इनका फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन टी है ना इनको हम क्या लिख सकते हैं बोलो तो साइन टू एक्स क्या होता है साइन टू एक्स होता है ना दो से गुना हो जाता है तो यहाँ पर टी बाई टू है दो से गुना होगा तो दो कट गया तो बस है क्या क्या साइन टी अब देखिए कोस ये टी हो गया ना नहीं कुछ है तो एक है ना जी भिन्न का घर टो निकालो ये साइन टी हो गया ना साइन गुना साइन क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस वन अब बताइए ये वन माइनस साइन स्क्वायर टी हुआ ना वन माइनस साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर टी ये नीचे में तो पलट के क्या होगा कोस टी हो गया ये जो है पलट के ऊपर गया साइन टी इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर टी ये और ये कटम हो गया साइन बटे कोस को हम क्या लिखते हैं टेन टी हो गया आप देखिए इसको पुनः हम क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर तो देखिए टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर क्या हो गया टी क्योंकि एक्स होता तो वन हो जाता कुछ भी नहीं करते क्योंकि एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर चुका है ना डी बाई डी एक्स का मान टेन टी ये मान निकल चुका है आप करेंगे क्या कि एक्स के सापेक्ष पुनः डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि आपको जो मान मांग रहा है वो मांग रहा है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर एक बार इनका पुनः डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने ये चीज प्राप्त होगा देखो टेन का क्या होता है फॉर्मूला सेक स्क्वायर होता है ना तो सेक स्क्वायर टी पूरा गया अब देखिए एक्स के सापेक्ष न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसके एंगल में क्या है टी नहीं है टेन के एंगल में क्या है टी है जब टेन के एंगल में टी है तो बोलो ये गुना में आएगा डी टी बटे क्या होगा डी एक्स एक्स रहता है तो हम क्या करते हैं डी एक्स बटे डी एक्स यानी जो एंगल में होता है उनका भी ना एक बार डिफरेंशिएट होता है तो अब की बार किसका डिफरेंशिएट होगा टी का इसलिए डी टी बटे क्या होगा डी एक्स ये मान यहाँ पर है ही है ना बटे डी एक्स बाय डी टी नहीं लिख सकते हैं तो डी एक्स बाय डी टी का मान कितना है बोलो डी एक्स बाय डी टी का मान यही है देखो तो ये माइनस आपको साइन टी हो गया ना माइनस साइन टी हो गया ना और ये तो ये है ही ना अब यहाँ पर प्लस अब उसके बाद देखिए इनको जो है पूरा सॉल्व करने के पश्चात
देखिए इनको सॉल्व करते जाएंगे तो करने के पश्चात आपको इस प्रकार से मानने प्राप्त हुआ था, हुआ था ये हुआ था प्राप्त। तो ये चीज जो है आपको यही चीज न है, है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन टी ये आपको प्लस हो गया, ये आपको वन हो गया, ये आपका क्या हो गया साइन टी हो गया। इनका देखिए नीचे में कुछ भी अगर नहीं हो, एक हो तो हम क्या करते हैं कोना कोनी गुना कर देते हैं, साइन टी गुना साइन टी क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर टी, ये आपको प्लस हो गया, ये आपको क्या हो गया वन हो गया ना। तो अब देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर टी को हम क्या लिखते हैं कोस स्क्वायर टी नहीं लिखते हैं, ये जो साइन नीचे में है तो पलट के ऊपर में गुना में हो जाएगा ना, तो साइन टी बटा क्या होगा कोस स्क्वायर टी होगा। अब देखिए तो ये जो आपको साइन और एक कोस की जरूरी है ना टेन में बदलने के लिए, ऊपर में को साइन है ही है, नीचे का एक कोस ले लीजिए, जो ले लेंगे तो क्या होगा टेन टी नहीं होगा साइन बटे कोस, यहाँ पर दो गुना कोस था, एक कोस ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक नहीं होगा, अब देखो तो सेक क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये को आप इधर लिख दिए पहले सेक क्यू 2013 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर क्या हो गया चार। इसमें देखो y बराबर क्या है tan इनवर्स रूट ओवर वन प्लस x माइनस रूट ओवर क्या हो गया वन माइनस x बटा रूट ओवर वन प्लस क्या हो गया x प्लस रूट ओवर क्या हो गया वन माइनस x। इस प्रकार से अब यहाँ पर आपको देखना है कि x के स्थान पर क्या पुट करेंगे कि फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाए, फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाए। अगर मान के चलो कि x के स्थान पर अगर हम रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा तो एगो के लिए तो इसके लिए तो सही निकल जाएगा फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन प्लस है इसके लिए आएगा, इसलिए एक्स बराबर क्या रखो कोस थीटा, क्या रखना है कोस थीटा या थीटा बराबर क्या होगा कोस इनवर्स एक्स होगा ना। अब देखो वाई बराबर टेन इनवर्स और रूट ओवर वन, देखो एक्स के स्थान पर क्या रखे हैं कोस थीटा, ये माइनस हो गया वन माइनस क्या होगा कोस थीटा, ये वन प्लस क्या होगा कोस थीटा, वन माइनस क्या होगा कोस थीटा, देखिए वन प्लस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, समझ गया ना, अगर वन में से कोस घटे तो साइन में बदल जाता है, समझ गया ना, जुड़ता है तो कोस को सेम रहता है, फॉर्मूला है। वन प्लस कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर थीटा बाय टू, इनको क्या लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर देखिए क्योंकि स्क्वायर है तो सब रूट से बाहर आ जाएगा ना, तो रूट ओवर दो कॉमन आ जाएगा, रूट ओवर दो क्या होगा कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा कोस थीटा बाय टू और यहाँ पर बचेगा आपको साइन थीटा बाय टू, ये रूट ओवर टू हो ही गया कोस थीटा बाय टू प्लस क्या होगा साइन थीटा बाय टू, ये और ये कट गया अब आपको करना क्या है कोस थीटा बाय टू से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, यहाँ पर भाग देंगे तो क्या होगा एक, इसमें भाग देंगे तो क्या होगा टेन थीटा बाय टू, यहाँ पर भाग देंगे तो एक होगा, यहाँ पर क्या होगा टेन थीटा बाय टू। देखो इतना जो मान होता है किसका मान होता है बोलो टेन टेन पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, अब ये और ये मान क्या हो गया कैंसिल,
पाई बाई फोर हो गया और थीटा का मान क्या है कोस इनवर्स एक्स, तो वन बाय टू हो गया, कोस इनवर्स क्या हो गया एक्स हो गया ना। ये तो आपको वाई का नाम मान निकला है, डिफरेंशिएट भी करना तब एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दो, इनवर्स में भी इनका मान जीरो हो गया, ये वन बाय टू कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इनका आंसर हुआ। और देखो कौन है, तेज देखते चलो बोलते चलो, मौसम में परिवर्तन तुमको बोल नहीं रहा है तेज से। सवाल तो शायद नहीं लाइक।